हर व्यक्ति को अभिमान है, हर व्यक्ति को, किसी को शरीर का है, किसी को अपने धन का है, और आप और हम तो छोड़ दीजिए। अभी आकर के आप ये जो गैया बैठी है ये अभी तो बोल नहीं रही, पर काश ये बोले। अगर ये थोड़ा बहुत बोलना जानती और आप जाके इनसे पूछते कि भैया ये गौसेवा धाम किसका है, तो क्या बोलेंगे? जो रहता है जिस जगह पर तो उसे लगता है मेरा है, तो कहेगी मेरा है। और कोई मुझसे पूछे किसका है तो मैं कहूँ मेरा है, किसी और से पूछेगा तो कहेगा मेरा है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आप कहते हो मेरा घर है, पर आपके अलावा भी कितने सारे छोटे छोटे मोटे जीव रहते हैं, उनसे पूछोगे ना कि एक छोटे से चूहा से भी पूछोगे तो वो कहेगा मेरा है। ये तो छोटी बात हो गई। इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी जैसे भी बड़े अभिमान में घूमते हैं कि ये सृष्टि मेरी है, ये ब्रह्मांड मेरा है। महाभारत में कथा आती है, महाभारत का जैमिनी अश्वमेघ पर्व है, उसमें लिखा है कि एक वाक्दालभ्य नाम के ऋषि थे, समुद्र में कई हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, जल में एकदम आग बंद करके तपस्या कर रहे हैं। तो वहां पर भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के गए, युधिष्ठिर जी गए। तो जैसे ही वो पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि अरे युधिष्ठिर तू जानता नहीं ये कितने बड़े महापुरुष हैं, इनको प्रणाम कर हाथ झुका के। तो वाक्दालभ्य ऋषि ने हंस करके भगवान से कहा अरे प्रभु क्यों लीला कर रहे हो, एक बार तो धक्का दे चुके हो, दोबारा मत दो। फिर अपनी पिछली कथा सुनाई कि मैं एक बार तपस्या कर रहा था और तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरम ब्रूही, वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे? तो मैंने बड़े अभिमान में ब्रह्मा जी को बोला अरे आप मुझे क्या दे सकते हो, आप जानते हो मैं कितने वर्षों से तपस्या पर बैठा हूं, बिना खाए बिना पिए बिना सोए हजारों वर्षों से तपस्या पर बैठता हूं, तुम क्या दोगे मुझे? इधर वाक्दालभ्य ऋषि को अभिमान हुआ और उधर ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि अरे मैं सृष्टि का रचयिता हूं, तू मुझसे पूछ रहा है क्या नहीं दे सकते, तू मुझसे क्या पूछता है? अब दोनों को जैसे अभिमान हुआ तो महाभारत में लिखा है कि एकदम से तूफान आया, बहुत जोर से भयानक तूफान आया, और तूफान आते ही वाक्दालभ्य ऋषि और ब्रह्मा जी दोनों अंतर्ध्यान हुए और आंख खोली तो जाके देखा एक ऐसे ब्रह्मांड में पहुंचे जहां सामने 10-10 मुंह वाले ब्रह्मा जी खड़े। ब्रह्मा जी ने देखा अपने ही जैसा एक आदमी खड़ा, पर मेरी तो 4 खोपड़ी है, इसकी तो 10 है, आप कौन हो? बोले हम ब्रह्मा। बोले आप ब्रह्मा हो? बोले हम ब्रह्मा है। अब जो वो 10 मुंह वाले ब्रह्मा थे उनको अभिमान हुआ कि ये तो 4 मुंह वाले ही हैं, हम हैं 10 वाले। अब जैसे उनको अभिमान हुआ तुरंत जोर से तूफान आया, वाक्दालभ्य ऋषि 4 मुंह वाले ब्रह्मा, 10 मुख वाले ब्रह्मा, तीनों अंतर्ध्यान हुए, आंख खोल के देखा तो सामने 100-100 मुख वाले ब्रह्मा खड़े, पूरे ब्रह्माओं की जमात लग गई। और तब सारे ब्रह्मा और वाक्दालभ्य ऋषि ठाकुर जी के चरणों में गिर के बोले प्रभु अब समझ में आ गया कि ये जो ब्रह्मा होने का भी अभिमान है ये भी मूर्खता है, 4 नहीं हमारे जैसे अनंत मुख वाले ब्रह्मा प्रभु की सृष्टि में है, ब्रह्मा जी जैसों की गिनती भगवान की सृष्टि में ऐसी आती है, तो विचार करके देखिए हमारी और आपकी क्या हालत होगी। इसलिए किसी भी प्रकार का अभिमान, भले वो धन का हो, भले किसी को अपने तन का हो, सौंदर्य का हो, अरे एक दिन तो ये जो मिट्टी जिससे आज हम बचते घूमते हैं ना, यही बनेंगे एक दिन, यही बनने वाले हैं, इसी माटी में जिसमें बैठे हैं, इसी माटी में कहीं ना कहीं।